दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े और मैंने सोचा कि बात इन्हीं कुछ कमेंटों पे आपसे करता हूं। तो मैंने यहां लिख लिया कि आपके सवाल और मेरे जवाब। तो ये वीडियो मैंने ये इस पे बनाया है, कैल्शियम पे पहला पार्ट है, उसी कैल्शियम के पहले पार्ट के ये जवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट किसने किया, यूजर क्विटी के नाम से किसी का कमेंट आया, लिखते हैं सर जी नमस्कार, आप कॉपर के ऊपर जानकारी देने की कृपा करें, इसके डालने की का तरीका क्या है। एक और रिक्वेस्ट है कि मिट्टी का पीएच चेक करने की का घरेलू उपाय बताएं। ये तो चलिए इन पे बात करते हैं। कॉपर, देखिए कॉपर दो तरह का होता है, एक तो जो वो मार्केट में तो सभी मिलते हैं, एक कच्चा कॉपर होता है और एक पाउडर बेस में जो मार्केट में आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC के नाम से होता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में थोड़ा सा फर्क होता है। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है उसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है, इसलिए उसका नाम कॉपर हाइड्रोक्साइड रख दिया गया, और ये COC होता है। तो ये इसकी अपेक्षा, COC की अपेक्षा कॉपर हाइड्रोक्साइड के रेट 3 गुने ज़्यादा है, और वो काम भी इससे 3 गुना ज़्यादा करता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आप दोनों में से मार्केट में आपको जो भी उपलब्ध मिले आप उसको यूज कर सकते हैं, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी कॉपर हाइड्रोक्साइड अगर आप चाहें तो आप अपने घर पर बना सकते हैं। ये बात सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं पिछले किसी वीडियो में शायद बता चुका हूँ, मिर्च के वीडियो में, कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अगर आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अलग पानी में घोल लीजिए और उसमें से मार्केट से हाइड्रोजन लेके आइए, 1 लीटर में 2 से 3 ml हाइड्रोजन 1 लीटर पानी में मिलाइए और उसमें COC का घोल मिला दीजिए। तो पानी ऑक्सीजन का काम करता है और जब हाइड्रोक्साइड उसमें मिल जाती है तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाता है, और सेम रिजल्ट आएगा जो मार्केट में हाइड्रोक्साइड आता है, कोसाइड के नाम से आता है, अन्य कंपनियाँ अलग अलग नाम से बनाती हैं, वो सेम काम करेगा। तो बेटर है कि आप COC का इस्तेमाल करिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। और आगे लिखते हैं, मिट्टी का पीएच चेक करने के लिए कोई घरेलू उपाय बताएं। देखिए इस तरह से मेरे पास ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं कि ऐसा कुछ करके आप मिट्टी का पीएच चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप का अगर कोई उस तरह का प्रयोग काम कर जाए तो करिए, वरना ज़्यादा बेहतर तरीका वही होता है कि आपके आसपास जो अच्छी प्रयोगशाला हो, कोई सरकारी अनुसंधान केंद्र हो, आजकल प्राइवेट लैब है नहीं है, तो जहाँ कहीं बेहतर हो अगर वहाँ एक बार चेक करा लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मिट्टी का पीएच अगर चेक हो जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमें कैल्शियम के लेवल का पता चलता है, पीएच का पता चलता है, उससे हम न्यूट्रिशन कितना दें, कैसा दें, कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, कौन चीज़ हमने ज़्यादा दी, कौन चीज़ कम दी, ये खेती की बारीकियाँ होती हैं जो हमारे उत्पादन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं और हमें अतिरिक्त काम भी बनाए रखती हैं, परेशानी बनी रहती है, काम बढ़ा रहता है। तो कोशिश करिएगा कि कहीं कोई अगर अच्छी बढ़िया लैब हो वहाँ जाँच करा लीजिएगा। दूसरा कमेंट है गजेंद्र सिंह जी का, ये लिखते हैं प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम भैया, नई नई जानकारियां देने के लिए धन्यवाद, एक दिन ग्रेट इंडियन चैनल बहुत ऊंचाई पर होगा, आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। मुझे आप सभी का साथ चाहिए और जितना बन पड़ रहा है मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल नया विषय है, तो थोड़ा इस काम करने में दिक्कत होती है। क्रॉप अगर सामने लगी होती है तब वो एक अलग चीज़ होती है, वो बताती है कि क्या क्या कमी है, पर इस समय मेरा खेत खाली पड़ा है और बहुत सारी क्रॉपें नहीं हैं, और मेरी एरिया में कुछ किसान भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है वेजिटेबल में, जिनके यहाँ मैं जाके उनकी चीज़ों को देख सकूँ और बता सकूँ।
तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें मैं फरवरी से जो मेरे खेत में प्लॉट में मैं लगाने वाला हूँ कुछ क्रॉप है जो भी मुझे ठीक लगेंगी, तो फिर उस हिसाब से किसमें क्या कमी है वो आपको लाइव दिखाई देता चला जाएगा। और ये गुर्दे वगैरह की बिल्कुल मत कहिएगा, अच्छा नहीं लगता। मैं किसान हूँ और आप किसान हैं तो हम सभी भाई भाई हैं, तो इतना काफ़ी है और ज़्यादा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, बस ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है और सबके लिए बहुत अच्छा है। आप एक वीडियो में अगला कमेंट है उनसे हैं, आपके वीडियो से मुझे फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, ग्रेट सर, खुश रहो हमेशा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं सदैव खुश हूँ। और मैं हाजी खान साहब से कहना चाहूँगा कि आपके इस कमेंट ने मुझे वाकई ऊर्जा और खुशी से भर दिया है, बहुत सारी खुशी दी है। आप पाकिस्तान से हैं, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक अगर मेरा एक शब्द आपके काम आ जाए तो ये मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपके कमेंट ने ही मुझे खुश और बहुत सारे उत्साह से भर दिया, तो मैं आप ही के कमेंट से मान लीजिए कि मैं कुछ और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें दे सकूँ। एक कमेंट आया है, देसी खाद खेत में क्या लिखते हैं डाली हो तो ह्यूमिक एसिड फॉल्विक एसिड की खेती कितनी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मेरी अंग्रेजी वीक है तो मैं कम पढ़ पाता हूँ, इसलिए थोड़ा क्षमा कीजिए। और ये कमेंट आया है मनसुख जी का, देखिए एक बात मैं जो हमेशा आपसे कहता हूँ और जो सबसे मूल पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है कि पौधा हमसे बात करता है, हमें पौधा की भाषा आनी चाहिए। ये चीज़ें, ये मार्केट है बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ों की पौधे को ज़रूरत भी होती है और कभी कभी नहीं भी होती है, तो ये आपको इसकी समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपका पौधा कैसा है। जैसे दिमाग में एक क्लू होना चाहिए कि हमें कितना उत्पादन अपने पौधे से लेना है, 2 किलो 5 किलो 10 किलो या और बड़ा पौधा है जैसे बड़े बड़े पेड़ है, उस उत्पादन के हिसाब से इसकी जो हेल्थ वेल्थ है, वो ग्रोथ है, जो इसका एरिया है, जो झाड़ है, जो इसका स्वास्थ्य है, वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें क्या कमी है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। और देखिए ह्यूमिक एसिड है ये, आप जितना डालेंगे नुकसान करेगा नहीं, ये टोटल बहुत काम की चीज़ है और न्यूट्रिशन है। इस साल डालेंगे, आज साल डालेंगे, अगली साल, दूसरी साल, 2-3 साल तक जब तक आपके खेत में पड़ा रहेगा, पौधा उठाता रहेगा। ये कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो मिट्टी में फिक्स होता हो, ये ऑल टाइम काम कर सकता है। तो डली है तब भी डाल सकते हैं और थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। और देखिए पहली बार डालने की इतनी मत सोचिएगा कि मैं एडवांस में डालूँ, आपने क्रॉप लगाई है अगर उसमें आपको दिखता है कि कोई कमी है तब आप इन चीज़ों को डालिए, सिंचाई के टाइम पर खाद के साथ, तब भी ये बराबर काम करती है। अगला कमेंट है हिमांशु जी का, ये लिखते हैं श्रीमान जी बुंदेलखंड का किसान मिट्टी की जांच बिल्कुल सही तौर पर, जहां एकदम सही वैल्यू हो कहां करा सकता है, और बकाया आजकल आपको स्थिति पता ही है सरकारी अनुसंधान कार्यालयों की। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पे मैं काफ़ी पहले से सोच भी रहा हूँ और मैंने कुछ करने की कोशिश की है, बस जितनी की है अभी तक वो बेकार है, तो मेरी कोशिश का कोई ख़ास मतलब भी नहीं निकला है। और बुंदेलखंड में अगर आप मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं तो बांदा ठीक है, कानपुर ठीक है, आप बांदा करा सकते हैं, कानपुर करा सकते हैं, या MP में से हैं अगर यदि आप हैं और वहाँ कहीं कोई आपके पास है तो वर्तमान में आपको यही कराना पड़ेगा। फिलहाल आपकी बात जी अच्छी लगी, ये कमेंट मैंने आपका शाम को रात को पढ़ा था और लिख के कमेंट आज इसलिए नहीं दिए कि मैंने सोचा उसी समय कि मैं एक वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ, बाकी आपकी बात है जितना बन पड़ेगा लिख के भी दे दूँगा। तो इस पर अभी आपको जैसे भी जहाँ मिल रहा है वो कराइए, एक प्राइवेट लैब में राठ में ही अपनी देख रेख में कहीं ना किसी के द्वारा खुलवाने जा रहा हूँ, उस पर मैं लगातार एक साल से काम कर रहा हूँ, आदमी तलाश रहा हूँ, जगह तलाश रहा हूँ। और कोई तो लगभग ये कहिए कि अगर आदमी मिलता है तो जगह नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं,
पर साल के अंत अंत तक एक प्राइवेट लैब आप सबके लिए जरूर होगी, किसी न किसी को मैं इसके लिए तैयार कर ही लूँगा। इस मैं खुद ये काम कर सकूँ इसके लिए मेरे पास समय नहीं है, एक आदमी एक ही काम के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद जो व्यवस्था आपको हो जाएगी, प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि अगर आप बाहर से हैं वहाँ से आपको मिट्टी जाँच कराना है आने जाने में, तो कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हों कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, कोरियर के द्वारा आप अपनी मिट्टी भेजें, नमूना भेजें और यहाँ से जाँच हो और उसका वीडियो बना के या व्हाट्सएप में उसकी जांच की रिपोर्ट करके आप तक पहुंचा दी जाए, बेहतर हो, बेहतर रिजल्ट हो। इसके लिए एक थोड़ा अच्छा आदमी और जानकार आदमी की ज़रूरत है, जिस दिन मिलता है उस दिन ये व्यवस्था बनवाने वाला हूं और बहुत जल्दी तो आपको जी राठ में मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। इस काम से मुझे भी बहुत प्रॉब्लमें होती हैं, मैं चीज़ों को समझने की जब कोशिश करता हूँ, तो जिस दिन आप अभी फिलहाल आप इसी से काम चलाइए कि आप अपने पौधे को देखिए, ये पौधा एक एक न्यूट्रिशन की बात बताता है कि कौन कौन चीज़ की कमी है। इससे भी मिट्टी की जांच अपने आप होती है, जिस दिन आप पौधे से बात करना सीख जाएंगे ना, आपको मिट्टी की जांच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी की जाँच उस किसान के लिए होता है जिसके पास जानकारी की कमी होती है, पौधे को उसके न्यूट्रिशन की वैल्यू को नहीं पहचान पाता, और ये कमी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है किसान का। 60-70% आप मान लीजिए कि 100 रुपये में से 70 रुपये का खर्च जो जाता है दवाइयों में, वो न्यूट्रिशन की ना जानकारी होने की वजह से जाता है। केवल 30% में काम चलता है, 70% बेस्ट जाता है और वही दवाई पौधे में और ज़्यादा उपद्रव खड़े करती है। जो मैंने देखा किसानों के पास जाके अपनी खुद की क्रॉप में भी मैंने देखा कि दवाई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू आजकल बना है। क्योंकि बिजनेस है, सबको पैसा कमाने हैं, तो आप समझिए सबको उसकी ज़रूरत होती है, तो सभी लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें समझ हम सभी को होना चाहिए। तो अभी जैसे चल रहा है वैसे चलाइए, लगभग एक साल के भीतर अगर आप ठीक समझे तो फिर वहाँ जांच कराइए। राठ इसलिए खुलवाना चाहता हूँ, किसी को तलाश रहा हूँ कि ताकि वहाँ मैं जा सकूँ, वो मेरी देख रेख में थोड़ा बहुत काम हो, ताकि पता चल सके जब जाँच हो, मैं अपनी जाँच कराऊँ, उस जाँच के हिसाब से काम करूँ, उसका कुछ रिजल्ट आए, ठीक ठाक लगे, तब मैं उसका एड्रेस वगैरह आपको दूं। तो ये व्यवस्था साल के अंत तक आप ये समझिए कि हो जाएगी। और कमेंट करने के लिए धन्यवाद। अगला कमेंट है सर, ये लिखते हैं सर, धनौरी की देसी मिर्च का सीड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाने पर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा प्लीज बताएं। राठ मंडी हमीरपुर में जो राठ पड़ता है, राठ मंडी में आप ये समझिए कि 20 थोड़ा और 2-4 दिन रुकिए, और फरवरी के स्टार्ट में, ये पूरी फरवरी और 15 मार्च तक मार्केट में अवेलेबल रहती है, मंडी में आराम से मिलती है। मंडी का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आपको फुटकर सब्जी मार्केट जो होता है वहाँ पे मिल जाएगी, लाल मिर्च ही मिलेगी। इसका बीज कहीं अवेलेबल है नहीं, कोई दुकानदार रखता नहीं है, और मैं किसी किसान से बात करता हूँ, ऐसी कोशिश करूंगा जब भी मुझे समय मिलता है कि अगर कोई इसका सीड बना के आप तक पहुंचा सके या कुरियर कर सके, इस तरह की व्यवस्था हो तो। पर इसके लिए मैं अभी क्लियर नहीं कहता क्योंकि मेरे पास भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप राठ आना चाहें तो कभी भी आके इसको ले सकते हैं। और पर एक बात और कहूँगा कि इसको लगाइए जब भी, जब आप इसका मार्केट देख लीजिएगा कि ये आपके मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे एरिया में लगा दो, फिर मार्केट का इशू हो जाए तो आपका नुकसान हो जाए, ये बात अच्छी नहीं है। तो अगर शुरुआत करेंगे तो थोड़े से करिए, उसके बाद देखते जाइए कैसा चलेगा, फिर आगे बढ़ाते चले जाइए। आगे कमेंट है योनोक्स प्लानिंग, इस तरह से कोई नाम लिखा है, और भैया लिखते हैं राधे राधे भाई साहब, भैया जी राधे राधे, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट आया है फूलेश्वर जी का, जी लिखते हैं सर, 1 बीघे खेत में गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता, एक बार मिर्च का प्लॉट लगाया था, जैसा लगाया वैसा ही रह गया, पत्तियां पीली होकर जल्दी झड़ जाती हैं, बहुत परेशान हूं। देखिए ये इस तरह की हरकत का मतलब होता है कि आपकी मिट्टी का पीएच घटा है, तो
और मैं क्लियर नहीं कह सकता इस बात को। तो कोशिश करिए आप मिट्टी की जांच करा लीजिए। पहला और बेहतर ऑप्शन यही है कि आप मिट्टी की जांच कराइए, और अगर ये उपलब्ध नहीं है, किसी कारणवश हो नहीं पा रहा है वर्तमान परिस्थितियों में, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक 15-20 फुट की जगह अलग करिए, उसमें एक मेड़ टाइप की बनाइए, उसको क्यारी टाइप का बनाइए और उसमें चूने का प्रयोग करिए, या मार्केट से कहीं जिप्सम मिल जाता है तो उसको जिप्सम लेके आइए, उसको बिखेर दीजिए, फिर उसकी गुलाई कर दीजिए, और गुलाई करने के बाद आप उसी में मिर्च ही ट्रांसप्लांट करिए और फिर उसे चेक करिए कि उसमें क्या डिफरेंस आता है। और जैसे आपने 10x20 का बनाया तो उसकी भी 2 क्यारी करिए, या उसको 30 करिए और उसकी 3 क्यारी करिए, और एक में टमाटर लगाइए और पूरे में एक जैसा मत डालिए, जैसे उसको फिर डिवाइड करिएगा, 4-4, 5-5 फुट पे डिवाइड करिएगा, एक में थोड़ा कम डालिए, एक में थोड़ा ज़्यादा डालिए, और एक में सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करिए, एक में उसका फास्फेट जिप्सम का उपयोग करिए, और एक में प्योर चूने का उपयोग करिए, और थोड़ी थोड़ी मात्रा किसी में कम किसी में ज़्यादा डालिए, उसको बाकायदा अच्छे से लिखिए, क्यारी नंबर बाई नंबर बनाइए, उसमें लिखते जाइए किस में आपने कितनी मात्रा डाली, और उसके बाद जब आप देखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर सरल तरीका, ये बहुत बड़ा तरीका हो गया, देखिए इतनी सारी चीज़ें करेंगे जब समझेंगे, पर ये भी एक बहुत बड़ा प्रयोग और प्रैक्टिकली होगा, आपकी रिसर्च होगी। और सरल तरीका यही है कि कहीं आप ले जाके उसका पीएच चेक करा लीजिए और न्यूट्रिशन वैल्यू, आपको कमी का पता चल जाएगा, उसके बाद आप खेती करेंगे, सफल होंगे। एक कमेंट आया है, भैया लिखते हैं मार्केट में कैल्शियम के कई तरह के फॉर्म उपलब्ध हैं, कौन कैसा है, क्या रिजल्ट है, कौन बेस्ट है, इस पे वीडियो बनाइए। हुमिक एसिड आप कौन सी कंपनी का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से उपलब्ध हैं बाजार में, इस पे चर्चा करिए। ये मार्केट में कई तरह के हैं, तो इसके लिए मैं बता दूं कि एक सरल तरीका ये होता है कि जैसे बहुत कंपनियां हैं और 10% कंपनियां अच्छी होती हैं, 99% और बाकी 90% का भगवान मालिक होता है। तो मेरे एरिया में जो कंपनियां बढ़िया हैं, अच्छी हैं बुंदेलखंड एरिया में, वो एरिच है फर्टिलाइजर में, और दूसरी कंपनी ये दयाल है। तो मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट इन्हीं कंपनियों के यूज करता हूँ, जो फुटकर में लेता हूँ, ज़्यादातर ये कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम सल्फेट कम मार्केट में मेरे यहाँ अवेलेबल है, अगर आपके यहाँ हो तो आप कैल्शियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, या कैल्शियम नाइट्रेट को कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट करना हो तो उसका छोटा सा तरीका होता है कि अगर आपने 100 टंकी में 50-60 ग्राम कैल्शियम डाला है कैल्शियम नाइट्रेट, तो आप उसमें 10-15 ग्राम सल्फर डाल के और उसका घोल बनाएंगे तो वो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है और वो दोनों का काम करता है। तो अगर जो मिलता है उसको ले लीजिए और डालिए। जैसे कई बार ऐसे हमें कंपनियां भी बदलते रहना चाहिए कि जब आप यूज करेंगे तो रिजल्ट देख लेंगे, मार्केट में एक एक का ले लिया, दोनों को डाला, कौन का बेहतर रिजल्ट है, उस पर चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, आपको तलाशना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। जब आप तलाशेंगे, सबकी कोशिश करेंगे, तभी आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे, बेहतर किसान बन पाएंगे। और जब आप बेहतर करेंगे तो आप अपने लिए नहीं करते हैं, बहुत लोगों के लिए होता है। देखिए, मैंने जिस समय काम शुरू किया था, मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मैं आपके सामने इस तरह से इंटरनेट पर बात कर रहा हूँ, पर मेरी ज़रूरतें थी, मैंने अपनी पूरी की। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे पाकिस्तान से कमेंट आया भैया जी का, तो उस पर मैं सोचा कि एक जी कितनी बड़ी बात है कि मैंने यहाँ काम किया अपने लिए, और अगर मैंने किसी काम में थोड़ी सी सफलता पाई तो आप, मैंने 12-15 सालों में जो सीखा है, देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपको सीधे सीधे मिल रहा है। मैंने कितना, जैसे बताया कि भैया को पहले कमेंट में, कि आप इस तरह से जान पाएंगे कि मिट्टी में क्या कमी है जब क्यारियाँ बनाएंगे, तो ये एक आपकी अपनी प्रयोगशाला और जांच हो गई। लेकिन अगर सीधे सीधे कोई बात आप तक पहुंच जाती है और आपका सीधे काम चल जाता है, तो इसका मतलब है आपके 12 साल बर्बाद होने से बच गए। इन 12 सालों में मैंने जो खोया पाया है, तो इन सब में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मिली, जो बहुत बड़ी बात होती है, हमें सीखने को मिलता है, पर टाइम बचता है, बहुत सारा पैसा बचता है, कई साल बचते हैं, बहुत सारे समय तक 4-5 साल तक हम सीखने में लगाते हैं, जब तक बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है और चीज़ें हमें घर गृहस्थी चलानी होती है।
जीवन चलाना होता है। तो इस तरह से कोशिश करिए जानने और समझने की। और ह्यूमिक एसिड की बात बताऊं भैया, क्या होता है कि मैंने बहुत पहले ही बहुत सारा मंगा लिया था, तो मेरे पास कुछ चाइना का था और कुछ ऑस्ट्रेलिया ग्रेड का भी पड़ा था। एक बार मैंने इंदौर से मंगाया था और एक बार मैंने यहाँ से क्या कहते हैं वो नासिक से मंगाया था। तो इस समय मुझे कंपनी कंपनियों जो आती हैं वो नहीं याद है, मैन्युफैक्चर कंपनियों से मंगाया था। और इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, पूरी आपको जानकारी दूंगा कि अगर माल कैसे मंगाते हैं और सस्ता कैसे पड़ेगा। थोड़ा कंपनियों से मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कोई कंपनी अपना एड्रेस देने के लिए तैयार है कि नहीं। ज़्यादातर कंपनियों का प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने मुँह से निकाल दिया कि मैं किसान हूँ या दुकानदार हूँ तो आपका फ़ोन काट दिया जाएगा, आपसे बात नहीं की जाएगी। आप सीधे कंपनी से माल कैसे खरीद सकें एक किसान होते हुए भी, इसके लिए एक थोड़ी सी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा पैसा वैसा हल्का फुल्का लगेगा, कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होगी, पर उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, आपको भी होगा अन्य लोगों को भी होगा। तो इस विषय पर मैं जब भी समय मिलता है चीज़ें जुटा के लोगों से बात बात करके अच्छे से जानकारी दूंगा एक या दो वीडियो में। फिलहाल कमेंट इतने ही थे, तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट करते रहिए। और अगर इस तरह से आप जानकारी चाहते हो कि आप कमेंट करो, मैं सीधे वीडियो बना के आपसे बात कर लूं, तो इस पर भी इस वीडियो में कमेंट करिएगा। और आगे समय मिलेगा तो मुझे अभी लाइव वाइव की जानकारी नहीं है, पर व्यवस्थाएं होती हैं, एक दो लड़के लगाने वाला हूं इस काम में। तो जैसे ही ये थोड़ा सा चैनल चलता है, इनमें थोड़ा पैसा वैसा जो आएगा तो वो लड़कों के काम आएगा और मैं आपसे बात अच्छे से कर पाऊँगा। इस तरह की चीज़ें सोच रहा हूँ कुछ कितना बेहतर कर पाऊँ, इसकी कोशिश करता रहूँगा बराबर। तो देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर और बने रहिए मेरे साथ। और जो भी चीज़ें कुछ गलतियां मैं भी करता हूं तो इसे भी थोड़ा खोल के बताइए, बिल्कुल संकोच मत करिए कि आपने कमेंट में क्या 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 नहीं कहा। मुझे गालियां भी बुरी नहीं लगती हैं, मैं एक अलग दुनिया का व्यक्ति हूं, अलग प्रकार से मेरी ज़िंदगी है। तो कौन क्या कहता है और कौन क्या करता है, मैंने पहले ही बताया कि मैं जो भी काम करता हूं कान बंद करके करता हूं, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो देखते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल अभी इतना ही।